हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री टाइम, नाउ लर्न एग्रीकल्चर विथ मी। डियरेस्ट फ्रेंड्स, आप सभी का जो इंतजार का घड़ी था वो खत्म हो चुका। CGPAT और PVPT का रिजल्ट जो है ऑफिशियल व्यापम ने जारी कर दिया है। आपको गूगल में आना है और यहाँ पे सर्च करना है CG व्यापम करके। मैं यहाँ पे CG व्यापम सर्च कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, आपको यहाँ पे आपने मोबाइल में फर्स्ट जो वेबसाइट खुलेगी उस पर आपको क्या करना है, सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ओपन हो जाती है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे नेविगेशन दिखेंगे जिसमें आपको रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। तो मैं रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट वाले ऑप्शन में जैसे ही जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपको एक विंडो दिख जाएगा या लिंक दिख जाएगा जिसमें PAT और PVPT प्रवेश परीक्षा के फाइनल आंसर की सभी ग्रुप्स के रिजल्ट जो है और कंबाइंड मेरिट लिस्ट ए और बी ये आपको दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना रिजल्ट चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करने में रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा कि AG1 में कितना मिला, AG2 में, AG3 में कितना मिला, तो मार्क्स जो है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ग्रुप को BCMB में कितना मिला, PCB में कितना मिला, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखने को मिलेंगी। अगर आपको अपना रैंक जानना होगा तो रैंक जानने के लिए यहाँ पे कंबाइंड मेरिट लिस्ट 1 और ए या फिर आपको बी में जाना है। तो अभी मैं आपको रिजल्ट जो है वो चेक करके बता देता हूँ। तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आपको अपना जो यूज़र लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड, वो यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड भी डाल दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, लॉगिन वाले ये जो बटन दिख रहा है इस पर आपको टैप करना है। तो लॉगिन वाले बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑफिशियल जो आपका अकाउंट रहेगा व्यापम का वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपका जो आधार वगैरह है लिंक नहीं हुआ होगा तो आप अपना जो आधार है वो लिंक करा लीजिएगा, कि आप सर्च कर लीजिएगा कि व्यापम में अपना आधार कार्ड कैसे लिंक कराते हैं वगैरह वगैरह। नीचे जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है रिजल्ट डाउनलोड करके। तो हमें क्या करना है, रिजल्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं रिजल्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का। तो यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्या करना है, सिंपली टैप करना है। जैसे ही मैं टैप करूँगा, यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का मैंने रोल नंबर या आईडी डाला था व्यापम के थ्रू, तो उनका यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल हो गया है। इसको आपका काउंसलिंग के समय मांगा जाता है, तो इसको आपको संभाल के रखना है। जब भी आप काउंसलिंग फॉर्म डालोगे या फिर कॉलेज जाओगे तो ये जो आपका रिजल्ट है ये आपका मांगा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपका। एग्रीकल्चर ग्रुप से इन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है वो दिलाया था। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे प्रिंट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेव एज PDF का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। तो यहाँ से आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसको सेव कर लिया है तो सेव मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। अब आपको मैं मेरिट लिस्ट आपका मतलब कि कितना रैंक आया है ये कैसे चेक करना है वो बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से बता देता हूँ। आपको पीछे आना है सबसे पीछे और यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे रिजल्ट में आए, जैसे ही हम रिजल्ट इन मेरिट लिस्ट में, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स ए और बी। तो आपका ए में नहीं मिलता तो आप बी में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ए में चला जाता हूँ, तो ए को मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, दोबारा मैं डाउनलोड करता हूँ। ए पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये डाउनलोड वाला ऑप्शन आया और मैंने जैसे ही डाउनलोड किया ये यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना जो जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पे ये फर्स्ट रैंक में गौरव सिंह चौहान हैं, जनरल कैटेगरी से हैं और ये बायो ग्रुप से थे, और इनका जो भी मार्क्स वगैरह है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये रैंक फर्स्ट में है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके में गूगल ड्राइव वाला जो ऑप्शन है वो दिया होगा तो यहाँ पे आपको देखो एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सर्च का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फाइंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ये जो PVPT वाला जो था ना, PVPT आपका जो फॉर्म डाले थे तो उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। PVPT 24000039 ऐसे करके आपको लिख देना है। जैसे ही आप लिखोगे ना तो आपका जिस रैंक में यहाँ पे जैसे 1234 ऐसे कुछ लिखा है तो यहाँ पे आपको वो डायरेक्टली शो कर देगा,
ठीक। तो इस तरीके से आप जो है ना अपना जो रैंक है वो चेक कर सकते हो कि मेरा रैंक कितना आया है करके, ठीक। तो आशा जी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो आपको भली भांति समझ में आई होगी। और जिन भाई बंधुओं का या जिन छात्रों का, जिन एस्पिरेंट्स का जो टॉप 10 में आए हैं, उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। देखा जाए तो बायोलॉजी ग्रुप वाले इस बार बाजी मारे हैं। एक टॉप 10 में सिर्फ एक लड़का या हाँ लड़का ही है जिसने क्या किया है, अपना जो है स्थान प्राप्त किया है टॉप 10 में। बाकी सभी जो स्टूडेंट हैं वो बायोलॉजी ग्रुप से हैं। तो देखा जाए तो इस बार बायोलॉजी ग्रुप थोड़ा सा आसान आया रहा होगा, या हो सकते हैं वो नीट एस्पिरेंट्स रहे होंगे, या हो सकता है वो बायोलॉजी ग्रुप से ही मतलब कि तैयारी किए रहे होंगे। तो आशा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताया मैं, आपको भली भांति समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी अगर आपका कमेंट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।